हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट्स जो CCS यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। जैसे आपने थंबनेल पर देख भी लिया होगा, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जिनको ये नहीं पता कि मतलब किस तरीके से एडमिशन प्रोसीजर होता है CCS यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में। आपको मतलब इस वीडियो में ये बताने जाऊँगा कि भाई किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इसे अपने स्टूडेंट, अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कर देना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन आती है या ऑफलाइन आती है, किस तरीके से मेरिट लिस्ट की हमें कॉलेज में जाना होगा, नहीं जाना होगा, है ना, कि कितने पर मेरिट लगेगी, कितने पर कैसे, किस प्रकार से मेरिट लगती है, मेरिट कहाँ मिलती है ना, कि हमें मेन वेबसाइट पर जाना है। तो ये सारे क्वेश्चन का जितना भी मतलब जो प्रोसीजर होगा वो भी बताऊँगा, और जितने भी आपके डाउट हैं वो भी सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जैसे कि आपका रिजल्ट आया, तो अभी लगभग 1-1.5-2 महीने के करीब अभी क्या चले थे आपके रजिस्ट्रेशन चले थे। क्या चले थे? रजिस्ट्रेशन, कि आप किसी भी कोर्स के लिए जो CCS यूनिवर्सिटी में जो कोर्स होता है, किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होता था, आपको 3 कॉलेज सेलेक्ट करने होते थे। क्या होता था इसमें? 3 कॉलेज सेलेक्ट करने होते थे। आ रही है बात समझ में? तो 3 कॉलेज में, मान लीजिए जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो गाजियाबाद में क्या, कि देखिए यहाँ पर 3 बड़े मतलब जो सुविख्यात कॉलेज है, जैसे एक तो हो गया आपका MMH कॉलेज, एक हो गया आपका LR कॉलेज और एक हो गया शंभुदयाल कॉलेज, ठीक है। तो जैसे किसी बच्चे ने भी 3 कोर्स के लिए अप्लाई करा, मतलब एक कोर्स के लिए 3 कॉलेज अप्लाई कर दिए, करने के बाद देखिए क्या होता है, फिर इनकी मेरिट आती है। जब रजिस्ट्रेशन, अब देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने इन्होंने बंद कर दिए हैं, है ना, तो अब क्या होगा, अब देखिए क्या होगा, मेरिट आएगा। मेरिट भी देखिए अब से 2 या 3 पहले कैंसिल हो चुके हैं कि अभी मेरिट नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। तो आज देखिए 23 है, 23 को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 24 को पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, यही उम्मीद करी जा रही है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट देखिए क्या होता है, मेरिट लिस्ट लगती है आपकी परसेंटेज वाइज और कैटेगरी वाइज, परसेंटेज वाइज और कैटेगरी वाइज। देखिए जैसे आपके जनरल, OBC और SC ST वालों के लिए देखिए किस प्रकार से लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप BA कोर्स लेते हैं तो वहाँ पर ना एक छोटे से पेज टाइप के चिपका देंगे, और उसमें क्या है ना आपका ये कि भाई जनरल वालों की लगी है मान लीजिए 70 पे और OBC वालों की लगी है 68 पे और SC ST वालों की लगी है 66 पे, इस प्रकार से लगा देंगे। और जितने स्टूडेंट्स ना फॉर्म फिल किए होंगे उनका नाम भी साइडों में लगा देंगे, मतलब एक बोर्ड पर चिपका देंगे। तो अब देखिए वहां क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के नाम, किसी स्टूडेंट के नाम नहीं आ पाते। तो मतलब मान लीजिए परसेंटेज तो हमारी 72 है, पर हमारा उस लिस्ट में जो बच्चों की लिस्ट लगी है उसमें नाम नहीं है, तो फिर भी आप वहां जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन किस तरीके से लेना, जैसा मान लीजिए कल 24 है, 24 को आपकी मेरिट लिस्ट लगी, तो 24 को मेरिट लिस्ट लगने के बाद अगले से अगले दिन 24 और 25 को नहीं, अगले 3-4 दिन क्या होंगे, एडमिशन चलेंगे। और एडमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुन लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे। देखिए एक तो आपकी 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की TC होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और आपका CC होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आ रही है बात समझ में? फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, फिर आपका मूल निवास होना चाहिए, अगर आप SC ST से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका अनिवार्य है, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, और एक आपको प्रोस्पेक्टस कॉलेज में ले लेना होगा। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है कॉलेज का फॉर्म, जहां आपको क्या करना होगा कि उसमें आपको बेसिक डिटेल भरनी होगी और अपने फोटो वगैरह लगाने होंगे, और उसी में आप सब्जेक्ट वगैरह का कॉम्बिनेशन लेंगे, सब्जेक्ट वगैरह लिखेंगे। प्रोस्पेक्टस में सभी कुछ लिखा होता है कि भाई ये सब्जेक्ट इस कॉलेज में अवेलेबल है। उसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना होगा कि वो BA वालों की, BSc वालों की, BCom वालों की अलग अलग, क्या अलग अलग मतलब खिड़कियां होती हैं कि भाई वहां पर आपके उनके फॉर्म जमा हो रहे हैं, दूसरी जगह उसके जमा हो रहे हैं, तो उस प्रकार से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा वहां पर, उस प्रकार से आपको वहां पर खिड़की देखने के लिए मिलेगी, तो वहां आपको अपना फॉर्म जमा कर देना है। फॉर्म जमा करने के बाद क्या होगा, आपको एक छोटी सी वो रसीद काट के दे देंगे। रसीद काट के देने के बाद फिर आपको वो 2 या 3 दिन बाद जाकर आप कॉलेज से आई कार्ड ले सकते हैं, जब कॉलेज स्टार्ट होगा जब आप आई कार्ड ले सकते हैं, और आई कार्ड मिलने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन या कह दें एडमिशन पूरी तरीके से वेरीफाइड हो जाएगा। इस बीच में आपको एक इंपॉर्टेंट बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जैसा भाई आपकी जो कॉलेज फीस होती है, जैसा भाई मेरे
टाइम में तो लगभग लगभग जो फीस होती थी वो ऐसा होती थी 800-900 के आसपास, पर अब जो फीस है 2800-2700 ऐसा करके होती है। तो वो जो कॉलेज फीस होते हैं, तो कोई कोई कॉलेज क्या करता है, ऑनलाइन बार कोड पर अपनी फीस जमा करवा लेता है और फिर उसका स्क्रीन शॉट जो होता है, जो रिसिप्ट होती है, वो उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ हमें अटैच कर देनी होती है। आ रही बात समझ में? और कोई कोई कॉलेजों में क्या होता है कि भाई सब पास में जो बैंक होता है उससे आपको एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। ड्राफ्ट इट मीन्स आपको बैंक में जाना होगा, बैंक में जाने के बाद आपको वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, मतलब जितने भी वहाँ की फीस होगी। अच्छा एक चीज़ और, लड़कों की फीस अलग होती है, लड़कियों की फीस अलग होती है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है और जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनकी फीस थोड़ी सी कम होती है। तो ये आप मतलब पूरा जो वो रहेगा ना कॉलेज में मिल जाएगा आपको। और बेसिक अगर कोई भी डिटेल आपको किसी भी कॉलेज की, हाँ UCCS यूनिवर्सिटी की चाहिए, तो हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो करें, आपको सारी डिटेल देखने के लिए मिलती रहेगी, ठीक है। फिर एक चीज़ आपको और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूँ मैं आपको, देखिए जितने भी आपके जो एडमिशन प्रक्रिया होती है वो आपकी लगभग लगभग 4 बजे से पहले पहले हो जाती है। और जितना भी मतलब देखिए यही भाग दौड़ वाला टाइम रहता है, अगर इस टाइम पर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो फिर पूरे साल मजे में रहेगा आपका, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी नहीं। तो इस वजह से भाई किसी भी चीज़ से पीछे मत हटना, ठीक है। अब देखो जैसे मैं बात करूँगा, जैसे शंभुदयाल कॉलेज हो गया आपका भाई, गाजियाबाद में शंभुदयाल कॉलेज हो गया, तुम्हारा LR कॉलेज हो गया, आपका MMH कॉलेज हो गया, तो सबका सेम ही कंसेप्ट होता है, किसी का कोई भी अलग नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगा, जैसे कुछ बच्चों के ये आ रहे थे कि भाई हमें इसमें CUT की आवश्यकता होती या नहीं होती, तो इसमें कोई CUT की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें तो ये है डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन। देखिए एक चीज़ आपको और बताऊँ, जैसे बहुत से बच्चों का ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता भाई उनकी परसेंटेज के द्वारा, कि भाई मान लो किसी की 50% रह गई है, किसी की 55 रह गई है और उनका एडमिशन नहीं हो रहा। तो जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया, तो जो CCSU से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, आप उनमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। उनमें एडमिशन लोगे प्राइवेट कॉलेजों में आराम से हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आपका मतलब जो बोलते हैं स्कॉलरशिप बेस भी हो जाएगा और डायरेक्टली कि आप EMI में भी पैसे दे सकते हैं। तो आप बेसिकली कॉलेज में घूमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका एडमिशन टाइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CCS यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखिए कभी मैंने ये भी महसूस करा था कि एक बार जो मेरिट लगी थी शाम को 4 बजे लगी थी और 4 से 6 बजे के करीब ही वहाँ एडमिशन हो गए थे, है ना। तो उसमें भी देखिए क्या है ना, भटक जाते हैं बच्चे के, बहुत बच्चों को नहीं पता चल पाता। एक चीज़ आपको और बताऊँ, देखिए कोई भी निराश ना हो, देखो पहली मेरिट आती है, पहली के बाद दूसरी मेरिट आने की पूरी संभावना होती है, एक या दो मेरिट तो पक्का आती है हर साल, मैं कई साल से देखता रहा हूँ, ठीक है। अब दो मेरिट के बाद ये काफ़ी बार क्या करते हैं, ओपन मेरिट देते हैं। ओपन मेरिट का क्या कंसेप्ट रहता है, ओपन मेरिट को जानेंगे। देखिए ओपन मेरिट क्या होगा, जैसे मान लो आपका पहले में एडमिशन, मान लो आपके जो परसेंटेज है वो 60 है और पहली मेरिट लगी 68 पर, दूसरी मेरिट लगी 62 पर, तो इट मीन्स आपका एडमिशन नहीं हुआ। तो फिर क्या है, ओपन मेरिट देता है। ओपन मेरिट क्या होता है ना, ये 1-2% में भी घटा कर भी दे सकता है, बढ़ा कर भी दे सकता है। तो ओपन मेरिट का कंसेप्ट होता है कि जो पहले आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, जो पहले आ जाएगा उसका एडमिशन पहले हो जाएगा। उसमें क्या होता है, जब मान लिया ओपन मेरिट में भी यही होता है कि वहाँ एक क्राइटेरिया सेट कर दिया इन्होंने परसेंटेज का, कि इतने परसेंटेज वाले बच्चे आ सकते हैं। फिर जैसे मान लीजिए वो बच्चे पूरी तरीके से नहीं आ पाए, तो फिर 1-2 घंटे बाद फिर ये 2-3% कम करके लगा देते हैं, जब बच्चों को पता चलता है फिर आ जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का जो सिस्टम है, थोड़ा सा देखिए अभी आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है जिन बच्चों की थोड़ी सी कम परसेंटेज है। और 2-3 चीज़ों से आपको सावधान रहना है कि देखिए जो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व रहते हैं वहाँ पर कि भाई हमें इतने हज़ार रुपये दे दो, इतने पैसे दे दो कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, 5,000, 10,000 या 8,000 रुपये दे दो हम एडमिशन, तो किसी की कुछ नहीं होती। आप अपने स्तर पर जाकर अपनी एक तरीके से भाई टीचरों से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, तो मे बी कुछ हो जाए, पर आप किसी को कोई पैसा मत देना, किसी को कोई सोर्स कुछ नहीं होती है, बेफालतू की बात होती है। आपसे पैसे ठगने का एक तरीका होता कि भाई हमें इतने रुपए दे दो और आपका एडमिशन हो जाएगा, तो कुछ ऐसा नहीं होता। अगर आपका मेरिट में नंबर नहीं आ रहा तो एक बार अपने स्तर पर जाकर ट्राई कर सकते हैं, या कोई बंदा अगर बिना पैसों के अगर कहे तो आप जा सकते हो, बिल्कुल किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको थोड़ी सी जो जो आपका CCS यूनिवर्सिटी के
जो जो एडमिशन प्रोसीजर है वो बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, कोई भी किसी का छोटा सा भी डाउट हो। ठीक है, और बाकी अगर आपको मेरिट लिस्ट जाननी है तो वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे, वो सॉरी फेसबुक ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर कोई भी मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी मत समझना, बिल्कुल एक तरीके से आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।